Hey guys, welcome to the channel. So guys, आज हम explain करने वाले हैं Sonic the Hedgehog 2 को जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। So let's start, keep calm and listen to me. मूवी के स्टार्ट में हम डॉक्टर रोबोटिक को देखते हैं जिसे कि एक प्लेनेट पर 242 डेज हो चुके होते हैं और वो वहाँ से निकलने के लिए एक रोबोट बनाता है। साथ ही उसके पास सोनिक का एक हेयर होता है जिसके में काफ़ी पावर्स होती हैं जिसका यूज़ डॉक्टर रोबोटिक करता है। तभी वहाँ पर एक होटल खुलता है जिसमें से कुछ लोग निकल कर डॉक्टर रोबोटिक पर अटैक करते हैं पर डॉक्टर उन्हें वहाँ अपने ट्रैप में फंसा कर उन्हें हरा देता है, जिसके बाद पोर्टल से नकल बाहर आता है जो कि एकेटना वॉरियर का आखिरी वॉरियर होता है। नकल डॉक्टर से उस हेयर के बारे में पूछता है तो डॉक्टर उसे अर्थ के बारे में उसे बताता है और कहता है कि उसे अर्थ पर ले जा सके जिससे कि डॉक्टर भी अर्थ पर जा सके। दूसरे सीन में हम कुछ चोरों को देखते हैं जिनके पीछे की पुलिस पड़ी होती है। फिर हम सोनिक को देखते हैं जो कि उन चोरों की धुलाई कर रहा होता है। साथ ही वो उन चोरों को पकड़ते वक्त पूरे शहर में तोड़फोड़ मचा देता है। अगले दिन सोनिक और टॉम साथ में फिशिंग करने के लिए एक मिल लेक में जाते हैं जहां टॉम उसे उसकी कल रात की हरकतों के बारे में बताता है और उसे ऐसा बंद करने के लिए कहता है, जिसके बाद एक रिंग का पोर्टल खुलता है जिससे कि एक फॉक्स बाहर आता है जो कि सोनिक को ढूंढ रहा होता है। फिर हम सोनिक को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है जहाँ की डॉक्टर रोबोटिक आता है पर सोनिक उस पर अटैक करने वाला होता है। तभी नकल आकर सोनिक को रोकता है और उसे मास्टर एमरोल्ड के बारे में पूछता है पर सोनिक को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तब नकल सोनिक को मारने वाला होता है पर तभी वहाँ पर टेल्स आकर सोनिक को बचा देता है और उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद नकल उनके पीछे उन्हें रोकने के लिए जाता है पर टेल्स और सोनिक की कार खाई में गिर जाती है और नकल भी वहाँ से गिरते गिरते बचता है। सोनिक को टेल्स वहाँ से बचा कर ले जाता है, जिसके बाद डॉक्टर रोबोटिक नकल से एक डील करता है कि वो मास्टर एमरोल्ड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा पर उसके बदले में उसे सोनिक को मारना होगा। जिसके बाद टेल्स लॉक क्लॉक के बारे में सोनिक को बताता है, जिसके बाद सोनिक एक मैप निकालता है जिसमें कि सोनिक के लिए एक मैसेज था जिससे उन्हें पता चलता है कि मास्टर एमरोल्ड को अर्थ पर ही एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा गया है। जिसके बाद सोनिक और टेल्स एक रिंग की मदद से साइबेरिया जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटिक अपने गैजेट्स की मदद से सोनिक को ढूंढ लेता है और उसे मारने के लिए निकल जाता है। सोनिक और टेल्स एक केव में पहुंचते हैं जहां उन्हें की एक क्लू मिलता है। अभी वहां पर डॉक्टर रोबोटिक अपने ड्रोन के साथ वहां पर हमला कर देता है जिसमें कि सोनिक का कंपास डॉक्टर रोबोट के पास चला जाता है। अब डॉक्टर रोबोटिक और नकल एक आइलैंड पर पहुंचते हैं। यहां पर पहुंचते ही कंपास की वजह से समुद्र के बीच में एक रास्ता मिलता है, जिसके बाद सोनिक को उन लोगों के बारे में पता चलता है और वो पानी पर काफ़ी तेज रफ्तार में भागकर वहां से उनके पास पहुंचता है जहां पर नकल और सोनिक में फाइट शुरू हो जाती है और सोनिक नकल पर इस बार भारी पड़ने लग जाता है। इसी बीच डॉक्टर एमरोल्ड को ले लेता है। एमरोल्ड के अपने जगह से हटते ही वो जगह टूटने लग जाती है और नकल नीचे पत्थरों में पानी के नीचे दब जाता है तो सोनिक उसे बचाता है पर सोनिक वहाँ पर फंस जाता है तो नकल उसे वहाँ से बचा कर ले जाता है। जिसके बाद सोनिक और नकल अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं और डॉक्टर रोबोट को रोकने के लिए जाते हैं जिसने कि एक रोबोट बनाकर पूरे शहर में तबाही मचा रहा होता है। जिसके बाद नकल सोनिक और टेल्स मिलकर उसे रोकते हैं और मास्टर एमरोल्ड को छीन लेते हैं और अब ये तीनों उस मास्टर एमरोल्ड को सुरक्षित रखने का फैसला करते हैं। इसी के साथ ये मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।